ये लंबे चोगे वाला बाबा कौन चला रहा है? चलो इसी से तो ज्ञान की बातें सही। अरे गधों को मारो गोली, चार दिन चारा नहीं खाएंगे तो कौन सा मर जाएंगे। नतन पाए जतन कर ऐसे, जिसमें वो कटार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। नारायण 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 नारायण। जय सियाराम बाबा। जय सियाराम बच्चा। कौन गांव के हो? कदम कदम पर मेरा गांव मेरा देश। वो धर्मेंद्र विनोद खन्ना वाली मेरा गांव मेरा देश। अरे नहीं वसुधैव कुटुंबकम। अरे यानी मुक्त खान पान का गले मेरा दर्शन। अरे मैंने तो आज ही भगवान से प्रार्थना की थी कि किसी भले आदमी के दर्शन कराना, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बाबा अच्छा मैं तेरे पाँव नहीं छोड़ूंगा। मेरे पाँव पकड़ कर क्या करेगा? उठाकर पटकूंगा। अब बाबा तेरे पास बच्चे हैं क्या? नहीं मैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी? वो बाबा रामदेव जैसा ब्रह्मचारी? अरे नहीं बाल ब्रह्मचारी। मैंने शादी नहीं की। शादी नहीं की? बाबा तुझे ध्यान नहीं आता? किसका? शादी का। और किसका? प्रभु का करो ध्यान, उसी में है सकल कल्याण। बाबा अच्छा तुझे नींद आ जाती है? चैन की नींद आती है बच्चा, प्रभु का नाम लेकर सुख से सो जाता हूँ। ये प्रभु का नाम है कि नींद की गोली? अरे साधु संतों से नाकट तो दी। अब बाबा फिर तूने शादी क्यों नहीं की? कोई तुझे लड़की नहीं देता क्या? सवाल लड़की का नहीं है बच्चा। तो फिर तेरे पास जो रूप को पालने के लिए पैसे नहीं होंगे? हाँ अरे सवाल पैसों का भी नहीं है बच्चा। फिर तेरे अंदर कोई गड़बड़ी है क्या? अरे बाबा फिर तूने शादी क्यों? तुमने शादी नहीं की? यहाँ तो गले में ढोल बांधकर फंस गए। अरे खाने को रोटी न तन पे लंगोटी, कर्जे में फंसी है बोटी बोटी। फिर भी ना जाने क्यों घरवाली के बिना दुनिया लाके छोटी छोटी। बाबा बच्चा ये तो बता दो है कौन? मैं गुरु। वो टीवी सीरियल नुक्कड़ वाला गुरु? अरे नहीं देवी देवताओं का गुरु, गुरु बृहस्पति। अबे बंडल मत ठोक बृहस्पति। अरे बृहस्पति गुरु हो जाओ। शुरू शुरू इस अज्ञानी को भी कोई मंत्र देते जाओ। अच्छा तेरा नाम क्या है? हाजी लकलक। क्या? कल्लू कुमार। अरे गवार तू तो सांसारिक प्राणी है, क्यों यार संन्यास के चक्कर में पड़ता है? बाबा बीवी बच्चे तो ठीक, पर इस फटे मुंह से कभी ईश्वर का नाम ही नहीं निकलता। अब तुम ही बताओ मुझ में और इन गधों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अरे इसीलिए तो तेरी शरण में आया हूँ। पर मैं तुझे कौन सा मंत्र दूँ? जंतर मंत्र। जिसके अंतर में हो परोपकार की भावना उसी को दिया जाता है मंत्र। वैष्णव जंतो तेने कहिए जो पीर पर आए जाने दे। गांधीवादी लगता है। ठीक है बेटा कल्लू मैं तुझे दीक्षा दूंगा। अरे बेटा कल्लू ले लो दीक्षा और मांगो भिक्षा। मेरे पीछे पीछे बोल। बोल क्या बोलना है? वर्धन को वमन जान, वर्धन को वमन जान, वर्धन को वमन जान, वर्धन को वमन जान, वर नारी माता समान, वर नारी। बाबा ये वर्धन वमन जान तक तो ठीक है, लेकिन वर नारी माता नहीं 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 पता। अगर खूबसूरत समक्ष लोग खुद खुद चल के आए तो पकड़ के उसके दोनों चा। इतना लंबा चोगा अंदर कुछ है क्या? अबे तूने मुझे राम रहीम समझ रखा है? नहीं साईं बाबा चल दे मंत्र। ला काली धागा अभी फूंकता हूं मंत्र। अबे ये मंत्र फूका की थूका। अबे इतनी जोर से थूका की कान में है कर दिया। अब डॉक्टर के पास जाऊंगा निकली नहीं पर खड़ा नहीं होने देगा, कहेगा दूसरा आदमी तेरे कान में थूक गया, तू क्या करता है? आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरा चमचा। नहीं पट्टा। अबे पट्टा तो उल्लू का होता है। आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरा चेला। जय गुरुदेव। चलो हो जाए इसी बात पे एक एक रॉयल स्टैग का पौवा। सीधा हो गए घर की तरफ, मुझे जाना है इंद्र दरबार। इंद्र दरबार या दिल्ली दरबार? अरे उससे तो यहाँ की कैंटीन अच्छी, पर मैं किसी कैंटीन वैंटीन में नहीं देवाधिदेव इंद्र के दरबार में जा रहा हूँ। देवाधिदेव इंद्र के दरबार में? कौन है ये? कुछ नहीं बाबा। सच सच बता तू है कौन? मैं
33 करोड़ देवी देवताओं का गुरु बृहस्पति। अरे ये तो सचमुच का भगवान निकला रे। अरे मैं तो घोर नरक में जाऊंगा, बहुत पाप चढ़ेगा मुझे बाबा। अच्छा इस अज्ञानी को माफ कर। जा किया क्षमा। माफ कर यार। अरे किया क्षमा। अरे कहा ना माफ कर। किया माफ। किया माफ। अपना हिसाब था अरिना कपूर से मांग के लाया। मेरे चौबे में गुस्सा चला रहा है तू। सीधा हो ले घर की तरफ, मुझे स्वर्ग जाना है। बाबा इट्टी मुझे भी अपने साथ ले चलना। तू स्वर्ग कैसे जा सकता है? क्यों वहां तेरी मोनोपली है क्या? यार खर्च ना कर बच्चा, गुरु को चेले का हट पूरा करना पड़ता है, ऐसा तो शास्त्रों में भी लिखा है। पर तू वहां जाएगा कैसे? जैसे तू जाएगा मैं मैं तो धेनु की पूछ पकड़कर गौसागर पार कर जाऊंगा, और मैं तेरी पूछ पकड़कर रामानंद सागर पार कर जाऊंगा। तैतीस करोड़ देवी देवता उपस्थित हैं, लेकिन मुनियों का कहीं पता नहीं, और हमारे गुरु बृहस्पति भी तो नहीं आए। लेट आने की तो परंपरा है देवाधिदेव, जो जितना बड़ा औहदेदार होता है उतना ही लेट आता है। लेकिन अब इस परंपरा को तोड़ना होगा, हम इस पर आज ये कमीशन बिठा देंगे। हाँ हाँ बिठाइए बिठाइए, और उसका नाम होगा द लेट कमीशन। नारायण 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 नारायण। कई बार मैं तेरी वजह से लेट हो गया। क्या यही है स्वर्ग? यही है इंद्र सभा, जैसे लोकसभा राज्यसभा। बाबा यहाँ का पार्लियामेंट हाउस है क्या? कुछ ये इंद्र सभा है, कोई धर्मशाला नहीं। ज्यादा बोला तो दांत तोड़ दूंगा। तो तूने मुझे क्यों रोका? यार खाली बैठे बैठे लोगों से पंगे मोल लेता रहता है, यहाँ तेरी वैल्यू ही क्या है? मेरी बहुत वैल्यू है, न्यूसेंस वैल्यू है, मेरी पॉड लग झुंझड़। बड़ी है मैं आपको बताना ही भूल गया देवाधिदेव, मेरे साथ मेरा शिष्य भी आया। आपका शिष्य? द्वारपाल, उन्हें अंदर आने की अनुमति है। जाओ फिर, मिल गई अनुमति। कौन अनुमति? वो अनुमति भ्रष्ट जाओ अंदर। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। ये तो अपने ही है। हेलो हाउ डू यू डू। हेलो हेलो ये देवता की मिनिस्टर किसी आम आदमी से बात ही करने को तैयार नहीं। अगर यहाँ कोई अंबानी अडानी या कोई फिल्म एक्टर आ जाता ना, तो इनकी पूरी रिसेप्शन कमेटी खड़ी हो जाती उसके स्वागत के लिए। अरे इनमें तो इतनी भी कटसी नहीं है कि एक आम आदमी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर बिना रॉकेट के आया है, उसे एक कप चाय ना सही। एक वही पूछ लेते हैं। अभी देखो जट विद्या बरत। अरे कुर्सियों पे प्रधान जी आ जाओ, देव घोड़ा जी आ जाओ। अरे कौन सी काटा खाते हो भाई, बहुत मोटा। गुरुदेव ये विचित्र प्राणी कौन है? यही है हमारा शिष्य, आपका गुरु भाई। आपका शिष्य हमारा गुरु भाई? ओहो भाग्य। आओ भैया हमारे गले लग जाओ। जा जा मैं ऐसे गंदे शौक नहीं पालता। कल्लो प्रभु तुम्हें स्वयं प्यार के गले लगाना चाहते हैं, और तुम पर बाबा मैं ईद के अलावा कभी गले नहीं मिलता। चल मिलना पड़ेगा। हाँ इसको कोरोना तो नहीं है? दो फुट की दूरी मास्क है जरूरी। द्वारपाल अतिथियों के मनोरंजन हेतु रंभा को पेश किया जाए। जो आप क्या महाराज। बाबा बच्चा ये रंभा कौन है?
अप्सरा। क्या करती है? देवी देवताओं का मनोरंजन। कैसे कैसे? नृत्य करती। वो कोठे वाली बाई जी की तरह? अरे कोठे वाली की, ये यहाँ की मशहूर नृत्यांगना है। ओ, वो अपनी माधुरी दीक्षित जैसी। मेरा पिया घर आया और राम जी। अबे माधुरी के फिदा हुसैन। बहुत खूबसूरत है ना। इसकी शादी हो गई क्या? शादी नहीं तो तू कर लेना इससे शादी। मैं नारायण नारायण। पिता का अपमान किया है, घोर अपमान। जा, मैं तुझे शराब देता हूं, मृत्यु लोक में गदा बनकर भटकेगा। मैंने तो हास प्रयास में रंभा का हाथ पकड़ लिया था, अपना श्राप वापिस दे लीजिए देवाली देव। लो, ये श्राप ना हुआ, किसी पार्टी का समर्थन हो गया तो सुबह दिया और शाम को वापिस ले लिया। मैं जानता हूँ देवाली देव, आपका कावा कभी व्यर्थ नहीं जाता, पर चित्रसेन आपकी शरण में आया है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। आपकी आज्ञा धारे गुरुदेव। जाओ चित्रसेन, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, जब तुम्हारा विवाह देव नगरी के राजा चौपट सिंह की इकलौती कन्या चांदनी से होगा तो तुम हमारे श्राप से मुक्त हो जाओ। आ गए धरती पर। अरे गंगी तो गुस्से से आग बबुला हो रही होगी, हो सकता है तलाक का नोटिस ही थमा दे। पर आई वांट टेक नोटिस ऑफ हर नोटिस। रोज रोज मैं ही बिछाऊं, कभी तुम भी बिछा लिया करो। अरे पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है, रामायण नहीं देखती क्या? तो पति कब करेगा पत्नी की सेवा? बहु भारत तुम्हारा शुरू होने के बाद दूंगी। तो मैं नारी मुक्ति आंदोलन काली कुमार वाड़े से शुरू करवा देती हूँ। रहने दे रहने दे रहने दे, मैं खुद ही देख लेता हूँ, अपनी चद्दर खुद बिछा लेता हूँ। आखिर भी तो मेरी अपनी है। अरे गंगी क्या है? अरे इतनी दूर क्यों सोई है? बीच में से SYM निकालेगी क्या? कल्लू कल्लू गंगी दिया वास सोए कल्लू मिया और दूल्हा हमें बनाए। अरे न चैन दिया को मैंने, अरे न चैन दिया को मैंने, गधे ने दिया आवाज सोए कल्लू मिया को, गधे ने दिया आवाज सोए कल्लू मिया को। उठ गंगी उठ, उठ लाडली उठ। खुली आंख कल्लू की भैया हो, खुली आंख कल्लू की भैया, डर के मारे मर गए मैया। किसने दिया आवाज रात को, आया चोर कोई लूट पाटे। किसने दिया आवाज रात को, आया चोर कोई लूट पाटे। कई हो गए पल में कटिया, कई हो गए पल में कटिया, डर के मारे मर गए मैया। उठ गंगी उठ, उठ
झूठ। ओहो ये सपना हो क्या? अरे बाहर देख कोई आवाज में आ रहा है। तो जाओ देखो ना। आप मैं देखता हूँ, मैं डरता थोड़ी। हाँ हाँ जाओ देख ले। तू ऐसा कर मुझे पीछे से कस के पकड़। पीछे से कैसे पकड़ूंगी? अरे लग तेरे ऊपर चिपके ले गिरी थी तो कितने जोर से जप्पी डाली थी। ये तो अपना नया ही गधा है। दांत तेरे की निकला खोदा पहा निकला गधा। कल्लू तूने राजकुमारी की शर्त सुनी? सुनी, राजा ने तो शर्त का बीड़ा भी रखवा दिया। ठीक है तो जा इसी वक्त जा और बीड़ा उठा ले। लो अब अगर यही बात मैं कहता तो आप सब लोग मुझे गधा कहते। अब इसको क्या बोलूं? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये मर्द शादी के बाद इतने बेवकूफ कैसे हो जाते हैं। क्या मतलब? कभी किसी गधे को आदमी के बाद में बोलते सुना है क्या? अरे हाँ। मुझे तो ये चमत्कारी गधा लगता है। चमत्कारी या सरकारी? सरकारी कुत्ते तो सुने थे, गधे भी होते हैं क्या? अरे मूर्खों निश्चिंत रहो, मैं शुद्ध भारतीय गधा हूँ। राजकुमारी की शर्त पूरी करूंगा, उससे शादी करूंगा और तुम्हें तुम्हें माला माल कर दूंगा। माला माल कर दूंगा। अरे गंगी तू ले जाकर इसको अंदर बांध दे और हाँ अंदर मत आना। क्यों? बड़ी शुद्ध भारतीय गधा है। अच्छा? अंदर जरूर लीक करेगा, इसको बाहर ही बांध दो। ठीक है। देख लो टंकी, देख लो टंकी कल्लू मैया की, देख लो टंकी। बीड़ा युवादी बीड़ा उठाने अभी तक कोई नहीं आया। महाराज अभी तक तो कोई नहीं आया यार। ये बीड़ा ना हुआ लावारिस नाश हो गई। महाराज हमारे राज्य में जोड़ी बीट बीट के मेरा तो गला बैठ गया। इतनी चीख पुकार तो मैंने आपकी इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं की थी, फिर भी आपकी जमानत जब्त होगी तो मैं क्या करूँ? क्या मतलब? कोई बीड़ा उठाने नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, कोई जमा खर्च का हिसाब रखता हूँ। अरे फिर तो बहुत पैसे खाता होगा तू। अबे तेरे बाप का क्या खाया? क्यों सरकारी खजाना तेरे बाप का है जो हर साल डेफिसिट बजट दिखाकर टैक्स पे टैक्स ठोक देता है? है? अबे ओए, तू वो रमेश कुमार का एजेंट है क्या? आम आदमी के दिमाग में तो ये बातें नहीं आती। अब आने लगी है बच्चू, अब तुम्हारी खैर नहीं। हाँ अच्छा ये बता तेरी पगार कितनी है? मेरी पगार? मेरी पगार है 999 रुपए 99 पैसे। इसकी पगार है या बाटा के जूते का रेट? और वो नीरव मोदी वाला कमीशन? महाराज अब तू बड़ा आया क्या करने है? मैं राजा से मिलने। राजा से? हाँ? राजा के पास मत जाना, उनसे 10 कदम की दूरी पे रहना। क्यों? राजा को एड्स है। अबे कैसा सीधा आदमी है? अबे बिल्कुल सीधा आदमी हूँ। है जयराम जी की। तुम्हें विवाद किया है क्या? मतलब तभी भी है राजे महाराजों को तो झुककर सलाम किया जाता है। तो ऐसे मिलना जैसे रास्ते मिला। महाराज अभी राजा और महाराजों की इतनी रह गई है। मेरा मतलब महाराज गांव का गवार आदमी है। हां इलेक्शन भी नजदीक है, सिचुएशन संभाल लो। जयराम जी की। गल्लू कुमार जयराम जी की। हां और सब ठीक ठाक है ना? क्या बतावे यार ये महाराज वोटर है। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाथ
सब ठीक ठाक है कल्लो कुमार, सब ठीक ठाक है। पिलाओ एक लंगूर छाप बीड़ी पिलाओ। अबे यार मैं यहाँ बीड़ा उठाने आया और तूने मुझे बीड़ी के लिए मारा। ये राजा है कुत्ता है तभी तो कुत्ता मैं लेती हूँ। ये कुत्ता बीड़ी नहीं पीते, मॉर्निंग में महाराज बीड़ी नहीं पीते। तुम ले लो। हाय हाय संभवत तूने पी ही नहीं। कल्लू बेचारा निपट गवा और गया राजा को उसने किया सलाम, राजा को उसने किया सलाम। चित्र सैन का दिया पैदा, चित्र सैन का दिया पैदा, राजा कड़क वचन का कल्लू भी डर गया सरा। दाव पे जीवन मान लगाया, दाव पे जीवन मान लगाया, चल का बेड़ा तुरंत उठाया, चल का बेड़ा तुरंत उठाया। कल्लू तूने बीड़ा उठाया है, तुझे पता है बीड़े में क्या है? हाँ कत्ता चूना सौंप सुपारी नो तंबाकू। अबे ओ अगर शर्त पूरी ना कर सका तो फांसी का फंदा, और अगर शर्त पूरी कर दी तो गैस के रेट कितने कम करेगा पता? कल्लू तूने बीड़ा उठाया है जी, अपना आधा पीछा सोच के उठाइयो। मैं अपना आधा पीछा रोज सोचता हूँ, रोज हाँ रोज 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 रोज। मैंने कहा कि सुनते हो? अरे क्या है तेरे कहने पे तो मैं बीड़ा उठाने गया हूँ, देखती नहीं हम मेरी राजा राम से शिखर वार्ता चल रही है। शिखर वार्ता राजा राम, पर ये आवाज किसकी थी? मेरी बीवी गंगी की। पर तेरी बीवी गंगी की आवाज गरीबों की बस्ती से महल तक पहुंची कैसे? वैसे टिलाई वो क्या है महाराज, अगर वो बेंगलोर से छोड़ा हुआ अपना रॉकेट गिरता नहीं ना तो आप उसकी थ्री डायमेंशन पिक्चर भी देख रहे होते। भाई दीवान जी कमाल है, बड़ी तरक्की होगी हमारे देश में। अब वो क्या है बता, इतने घोटालों के बाद भी टेलीफोन तो अक्सर डेड रहते हैं, बीएसएनएल का हाल तो आप देख ही रहे हैं, इसलिए आजकल सैटेलाइट से ही काम चलाना पड़ता है। अरे ठीक है, पर वो तुझे बुला कर रही थी। अरे महाराज मेरे घर में सिविल वॉर हो गया है। हाँ अब मेरे बच्चों ने और मेरी बीवी के बच्चों ने मिलकर हमारे बच्चों को मारा। अबे अबे क्या बकरा है नहीं समझे? मैं बता, मेरे अपने पहले वाली बीवी से तीन बच्चे। अच्छा। और मेरी बीवी गंगी के अपने पहले वाले मियां से दो बच्चे। ये हो गए पांच। अच्छा। और अब हमारे हो गए दो। अबे तू करता क्या है? यही करता हूँ महाराज, लैपटॉप पे भीड़ कर लो याद नहीं रहा। पर फैमिली कार्ड बना ली। पर झगड़ा हुआ क्यों? रोटी का झगड़ा, साथ है ना, हफ्ते में एक दिन खाना खाने का नंबर पड़ता है, भूख में किसी ने बेईमानी कर दी होगी। बड़ा बदमाश आदमी मालूम पड़ता है, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, गरीबी बेच रहा है सारा। इसने शर्ट का बीड़ा उठाया, इसे लिखवा लो। अब लिखवा लो, अब यार लिखवा लो। अबे लिखवा लेता हूँ महाराज। बोल तेरा नाम? कल्लू। कल्लू बाप का नाम? लल्लू। लल्लू सरनेम? निठल्लू। निठल्लू वो क्या है महाराज कि ये जब से प्लास्टिक के बर्तनों की हुई है भरमार, हम कुम्हार हो गए हैं बेकार, इसलिए आजकल हम निठल्लू कहलाए जाते हैं। लिख लो दीवान जी, लिख लो महाराज। हाँ आए कल्लू सनो लल्लू हे भाई।
माउंटबेटन के नाती। अबे खुद तो राजभाषा नियम बनाते हो और अपने बच्चों को भेजते हो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए। अबे हिंदी में लिख, हिंदी में। तो हिंदी में लिख देते हैं। हाँ लिखना फिर। मैं कल्लू बल्द लल्लू यह लिख कर देता हूँ कि यदि मैं शर्त पूरी ना कर सका तो महाराज को मुझे फांसी पर लटकाने का अधिकार होगा। बदस्तूर दस्तखत कल्लू ले बे, दस्तखत कर। दस्तक क्या करूं? अबे दस्तखत कर। अबे कल्लू जी, कभी शाला में गया था किसी में? हो गया था ना। कौन सी में? गोशाला में। ले गाला दिवाली लगवा लगवा महाराज। ये गांव का गवार आदमी है, अंगूठा ले लेता हूं। अंगूठा ले। हो अबे मैं एकलव्य की तरह घुटू नहीं हूँ, मैं अपना अंगूठा नहीं दूंगा, डोना चाहिए की औलाद। अबे ओ तेरे अंगूठे पर कुतुब मीनार बनाऊंगा, ला अंगूठा दे। आपने अपने राज्य में कैसे कैसे गधे पाल रखे हैं? यह था राजा था प्रजा। महाराज मैंने अंगूठा मांगा, पैर का अंगूठा आगे कर दिया। पैर का नहीं हाथ का अंगूठा। हाथ का दे बेटा ले। महाराज मैंने इसके अंगूठे पे शाही लगाई और कहा मार तो इसने मेरे मुंह पे मारा। मैं कल्लू जी बेटा जी मुंह बना तो कामान कहीं मार ले मुंह बना। भारत भी मारेगा। अब नहीं मार क्या दिया मैंने? अबे यहाँ मार। जा भाई हो गया काम तेरा। हो गया? ओ अबे तुमने तो मुझसे लिखवा के ले लिया, अब मुझे भी स्टाम्प पेपर पर प्रोमिसरी नोट लिख कर दो। हाँ तू हमसे लिख कर लेगा, हम राजा है राजा। ओ मैं काले चोर का भरोसा कर सकता हूँ पर ये राजा राजा का नहीं है। अब मुझे पता है वक्त पड़ने पर तुम गिरगिट की तरह बदलते हो, हल्को मुकर गए तो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट जनवाणी में दिखाऊंगा, दूरदर्शन में दिखाऊंगा, अखबार में छुपवाऊंगा। हाँ दीवान जी। हाँ जी कल ये जरूर मरे। मर गया दे दो क्या पर और वैसे भी हमने अपने वादे कौन से पूरे किए? हाँ भाई ना बता क्या लिखो लेकिन। हाँ मैं महाराजा धीराज ये लिख कर देता हूँ कि यदि कल्लू शर्त पूरी कर लेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कर दूंगा। स्टॉप। और आगे लिख कि अगर उसका बेटा अनपढ़ हुआ तो भी। अबे अनपढ़ है क्या? अब महाराज सबसे मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मेरा बेटा जो है ना लोअर केजी के एंट्रेंस टेस्ट में 95% नंबर उसने लिए थे, लेकिन डीएवी स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दिया तो अनपढ़ ही रहा ना। दीवान जी लिख लो यार लिख लो। ठीक है बात, वैसे भी कौन सा हमने नेट पास करवा के प्रोफेसर बनाना है। अनपढ़ हुआ तो भी। हाँ और लिखो अगर उसका बेटा पागल हुआ तो भी। पागल है क्या महाराज? आप मुझे पागल 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 कह रहे हैं। अगर मैं पागल हूँ तो मेरा बेटा क्या इंटेलेक्चुअल होगा? यार दीवान जी लिखो यार जान छुड़ाओ बहुत फजूल आते हैं। ठीक है महाराज पागल हुआ तो भी। हाँ और लिखो अगर उसका बेटा कथा हुआ कथा है क्या महाराज? हाँ बार बार मुझे गधा 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 कहे जा रहे हैं। अगर मैं तो मेरा बेटा का घोड़ा होगा? हाँ महाराज सुधरेगा तो खच्चर हो जाएगा। देखो यार जान चढ़ाओ इतने बहुत बेकार आदमी है। आम आदमी है ना। हाँ लिख देता हूँ गधा हुआ तो भी। अब इस पर महाराज का अंगूठा लगवाओ। महाराज और अंगूठा? अब कुछ भी लगवाओ यार। हमने CBSU से PhD कर रखी है। अरे गवाह की जगह तू भी तो साइन कर। मैं भी करूँ। हाँ क्या दिख रहा?
दीवान जी, दीवान जी, उर्फ उर्फ थर्टी डो, देख लो टंकी, अरे गंगी क्या है जी? अरे बीड़ा का मैं उठा लाया, कहा वो उल्लू का पट्टा, उसने तो घर में बवाल बचा कर रखा है। अरे क्या हुआ? बोला क्या था? बवाल ही बवाल मचा कर रखा उसने। अरे उस कंजरी का दीने किया होगा कुछ ना कुछ, बड़ी बदमाश है वो। हाँ उसी ने ही सब कुछ किया, उसने देखा घोड़ा मार और लगी लाइन मार ले। ओहो विष्णु ने बारी गोधा निकम्मा कर दिया। चलो गालिब की काम नहीं तोड़ते, तू ऐसा कर उस कंजरी गधी को बुला ला। अरे गधे को बुला ला। एक रात में पुल बनाने का बीड़ा लेकर उठा कर लाया हूँ। अब एक रात में तो एक ही काम हो सकता है ना, पुल या लपड़ा। अबे ओ बिरादर, अबे तेरे कहने पे मैं बीड़ा उठा कर लाया हूँ, अब बोल पुल तो बनाएगा ना? तुमसे किस गधे ने कहा था कि मैं पुल बनाऊंगा? लो अब गधे भी जबान से फिरने लगे, हमें जिंदा नहीं रह सकता। अरे राजा तो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। सुनो जी, अगर तुम्हें कुछ होगा तो मेरा क्या होगा? दिन तो कट जाएगा, रात का क्या होगा? गंगी क्या बात है तू? रात को चोर डाकू घूमते हैं तो घर वाला तो चाहिए ना। तो ऐसे बोल ना। अरे तेरा क्या भाई, पुल बना देना। तुम लोग समझते क्यों नहीं, मुखलिसों की बस्ती से महल की ड्योरी तक पुल बनाने की कोशिशें युगों युगों से नाकामयाब होती आ रही हैं, क्योंकि मुल्क के ठेकेदार सीमेंट में रेत मिलाकर हर बार इस कोशिश को नाकामयाब कर देते हैं। अब आप सब बताएं कि ये काम किसी गधे के बस का है क्या? बिल्कुल नहीं है भैया, मैंने कब कहा किसी गधे के बस का नहीं, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, बना लिया ना बतीते बाप? बना लिया भैया। अरे तो बाहर जाकर देख, पुल तो मैंने तैयार कर लिया। अरे अब मैं बनूंगा राजा का समधी और तू बनेगी समधन। यार पांचों उंगलियां क्या में? नहीं पामोलिन में। अब जा इसे ले जाकर बांध दे और मैं चला राजा राम से मिलने सौरे कुमारवाड़े में, खबर करते शादी की। देख लो टंकी, देख लो चमत्कार। बाप रे बाप, इतना शानदार पुल महाराज। ये खबर तो जंगल की आग की तरह सारे देश में फैल जाएगी। जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, सब राजधानी पर टूट पड़ेंगे। आपका क्या है महाराज, आप तो कहीं भी छुप जाओगे, उन्हें सुलटना तो मुझे पड़ेगा। पहले तो लोग मुझे करप्ट बोलते थे, अब बैंकरप्ट बोलेंगे। हमारी सारी प्रतिष्ठा इस कुम्हार की मिट्टी में मिल जाएगी और वो उस मिट्टी के मटके बनाकर सारे राज्य में भेजेगा। महाराज की इज्जत के मटके, महाराज की इज्जत के मटके। महाराज की शादी हरगिज नहीं हो सकती। पर हमने तो वचन दिया था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी हमारा नारा था, रेगुलर भी सदा के लिए आए, प्राण जाए पर वचन मिल जाए। और इलेक्शन भी तो नुक्कड़ पर आ गए महाराज, आएगा महाराज तो क्या कहता है? अबे मैं उधर चला गया था। क्या शादी की तैयारी हो गई शुरू? आज ही कर दी। आप जाइए महाराज लेके। ठीक है मेरे टिप्पू सुल्तान, कैसी लग रही है? मजा आया यार। अरे एक बात है महाराज, ये शादी जी महाराज कैसे?
महाराज ये शादियां युगों युगों से राजनीति का हिस्सा रही है। आप ऐसा कीजिए, इसकी पब्लिसिटी बड़े धूमधाम से कीजिए और इसके स्लोगन्स होंगे गरीबी हटाओ का प्रत्यक्ष प्रमाण, अमीरी गरीबी का अंतर समाप्त, गरीब दूल्हे का राजमहल में प्रवेश, अब होंगे कामयाब, अब होंगे कामयाब, अब होंगे कामयाब, अब होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, एक दिन अब होंगे कामयाब, एक दिन अब होंगे कामयाब, एक दिन। अच्छा जी, और अब तूने मुझे सपना टोली समझ रखा क्या? राजकुमारी को दूल्हे का जगह जमाई बना लेंगे, तो अब क्या करें? सबसे बड़ी समस्या तो ये पुल है महाराज, हर बार इसको बनाने की घोषणा जरूर करते थे पर फाउंडेशन स्टोन लगाकर बाढ़ में बचाने का। यार इसका भाई कोई ना कोई हल निर्मल बाबा ढूंढ ही लेंगे। फिलहाल तो आप जस्ट की तैयारी कीजिए, विश की लाइए, धरती को उड़ाइए। भाई की मिलनी, यार की मिलनी, यार की मिलनी, मेरा मतलब
दूल्हे के यार दुल्हन के यार की मिलनी। अरे शुभ समय पे माथे में टीका तो लगा दे। हेलो हाँ अभी अभी जिसने तुझे टीका लगाया ये कौन है? अच्छी है ना? कौन है? क्यों अपनी बहन का नहीं पहचानता? अबे वो मंडली है। भजन मंडली है क्या? तेरी माँ की मैयत उठा के ले जानी है ना, इसलिए भजन मंडली साथ लाया। अबे वो मेरी बीवी है। अबे यार दीवान दे। एक मिनट महाराज देख लल्लू। हाँ तेरी इस बीवी का मियाँ कौन है? वो मेरी बीवी है और मैं उसका मियाँ हूँ और तू छुपा के रह। आई ऑब्जेक्ट। वो तेरी बीवी है। हाँ मैं मियाँ हूँ। अब वो मेरी बीवी है और मियाँ भी मैं ही हूँ। महाराज मियाँ खुद ही तो एक बात बता। आज आज सारी बात छोड़। इसकी शादी होगी क्या? अबे मेरी वाइट बोर्ड दीवान तो सचमुच ड्राइंग रूम में रखने वाला है, बॉक्स वाला दीवान है। तुझे तो मैं धचल के देखूंगा। अबे दीवान जी आदि मैंने क्या किया? थम थम करो, वो संगन बढ़ने वाली है। पांच दशक कर रहे हैं। बुआ जी को बुला लेते हैं। बुआ जी मैं खेल रही हूँ, आ जाओ। आप जाइए दूल्हे का तिलक करा के। अरे बुआ जी सेल्फी बुआ है तो मेरी सुन ले। आप जाइए दूल्हे का तिलक करा के आरती करा के अंदर ले आइए। समझ में नहीं आया ये राजा की बुआ है दीवान की बुआ है? दीवान जी दूल्हे राजा गधे। दीवान जी दूल्हे तो गधे हैं। दीवान जी गधे दीवान जी नहीं दूल्हे राजा। महाराज दीवान जी नहीं दूल्हे राजा कहते हो। अच्छा महाराज सुनो। हाँ वो क्या है कि कुमार के बेटे की शादी है और शादी का सीजन है, घोड़ा नहीं मिला होगा, गधे पे ले आए होंगे। बुआ जी ने गधे को देख लिया। ओ हाँ भाई आप मत से मेरे बताइए। दीवान जी आप जाइए तसल्ली से देख के। हाँ मैं जाता हूँ महाराज। इसमें क्या अरे आ जा आ जा फिर बता के देख ले। महाराज गधा महाराज एक नंबर गधा महाराज एक नंबर गधा। दीवान जी ये क्या बदतमीजी है? महाराज दूल्हा गधा है भैया, ये नहीं हो सकता। आपने कोई जरूर गलतफहमी हुई है। आप जाइए इंस्पेक्टर करके आइए। महाराज ईडी को साथ ले जाओ। हाँ ईडी को ले जाइए। सीबीआई को भी सीबीआई को भी ले जाओ। अबे बधाई की क्या बात है? अबे आप कलवे वो राजा के साथ मजाक करता है। अबे अबे जो उसकी सलाह जानता है लक्ष्मण के बाद।
शादी की रस्में महाराज महाराज बचपन में बिटिया गया टुमक टुमा के जल्दी दे महाराज क्या टुमक टुमा के जल्दी दे महाराज अबे ये गरीबों की शादी में टेस्ट में बदवाइए शादी कराइए शादी कहिए तो सूले राजा को छोड़ू क्या है मतलब कि दूल्हे राजा गधे है ना बांध कर लाए हैं कहिए तो छोड़ू ला छोड़ दे जा भैया शर्त के चक्कर में गधे को तो माई बुलाना पड़ रहा है चलिए शादी की सच में पूरी ये तो मैंने इसलिए किया था ना क्योंकि नेशनल कॉम्पिटिशन था उसमें मैंने प्लान रचा था जिसका इनाम थी मैं खुद अच्छा ठीक है उसमें आपको तीन फायदे होंगे अच्छा कौन कौन से पहला फायदा जब पुल बनता कॉम्पिटिशन के लिए वोट का फायदा ठीक है दूसरा देश को महान इंजीनियर जो एक रात में पुल बनाता तीसरा मुझे मेरे जितना इंटेलिजेंट महाराज इस प्लान ने सबके बैंड बजा दिए ये अलवासिया स्कूल वाले आपको ले डूबेंगे अरे तो चिंता ना कर बेटा अब दूल्हे में घर का ही बना देंगे डैड साथ में मेरी सास और मेरे ससुर को भी रखना वरना इस गधे को संभालेगा कौन गल्लू मियां अजी कल से तुम हमारे साथ हमारे किले में रहोगे अरे वाह शेखर सिंह जी इस किले ने तो एक ही झटके में करा देते महाराज बेटा हाथ दे महाराज ये दूल्हे राजा के तो हाथ ही नहीं है बिटिया क्या पकड़े दीवान जी ये समय मकान नहीं है तो शादी को अमंगलोचारण बिटिया तो समझ गई दूल्हे राजा तो गधे हैं उनको क्या समझ में आया अरे तो तुम भी थोड़ी देर के लिए गधे बन जाओ और उसी की आवाज में बोलो इंद्र देवता के श्राप से गधा बन गया था और मेरा राजकुमारी विवाह से होते ही मेरा उद्धार हो गया अद्भुत चमत्कार
वहाँ बड़े बड़े डिग्नेटरी द्वारा इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान आया, वो शाहरुख खान आया, सलमान खान आया। महाराज इस खुशी में डीए 20% बढ़वा दूं। अब तो बढ़वा दूं। तो ये यूनिवर्सिटी की छुट्टी करवा दे। हम भी चलते हैं। ये पता आदमी कौन है? अरे बेटा तो हमें नहीं पहचानता। अरे मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरी माँ है। बेटा हमने तुझे पाल पोसकर इतना बड़ा किया है, हरा भरा घास खिलाया है। हे भाई, तू गंजन को घास खिलाती है? कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ? अरे बेटा, अरे शाबाश बेटा, तू तो सचमुच राजा का जमाई होने के काबिल है। महाराज इन लोगों को बाहर निकालो। वो कहते हैं ना, चींटी को गुड़ के पास और गरीबियों को राजपाट के पास नहीं आने देना चाहिए। लेकिन दीवार जी, जो गुड़ से मरे उसे विष किस लिए? सिपाहियों पकड़ो। मैं हमेशा कहता था कि ये गधा एक दिन हमें जरूर फंसा देगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे देखा, महल की हवा कितनी विष भरी है, जहाँ एक गधा रूपी इंसान भी बदल जाता है। जी मुझे माफ कर दो। सिपाहियों पकड़ो इन्हें। रुको महाराज, हेलो, तुम कहते हो मैंने तुम्हें पाला पोसा यहाँ तक, इसके बदले में रतन माला रखो और सारी जिंदगी ऐसा करो, जाने दो महाराज। ठीक है बेटा, चलिए चलिए बेटी, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। बेटी मुझे तो छोड़ तो भी चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मिल गया। अब जो फूल है मैं आपसे करवाऊंगा। महाराज इसका इंतजाम तो मैंने पहले कर रखा है, आप चलिए माता इस फूल को। तो अपने सगे बाल बच्चों का पेट काट काट कर इसे खिलाया, ये उसकी कीमत। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाई, ये उसकी कीमत।